वेलकम टू जूनम अकेडमी इस वीडियो लेक्चर में जेनेटिक्स के जो पी वाई क्यूज है जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे उसको सॉल्व करेंगे और इसी सीरीज में हम जो है पी वाई क्यूज को जेनेटिक्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं बस आपको देखना है कि सेल लाइन ए बी सी डी ई एफ है प्रेजेंस आप एंजाइम देखेंगे तो ए प्लस है बी प्लस है फिर सी गैप है फिर डी प्लस है फिर एफ प्लस है ऐसा ऐसा जो है अरेंजमेंट या फिर इस तरीके से पैटर्न आपको मंग क्रोमोजोम्स में किस क्रोमोजोम पे मिल रहा है तो अगर आप देखोगे तो दो प्लस ऐसा दो प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस तो इसका मतलब है कि क्रोमोजोन नंबर सेवन पे ये एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ अगर आप ध्यान से mm -hmm. देखें तो कह रहे हैं कि न्यू म्यूटेंट कार्ड अर्ली राइपनिंग ई आर ये एक नया म्यूटेशन है ई आर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड इन द प्लांट एंड टाइप वाइल्ड टाइप इज द लेट राइपनिंग अगर वाइल्ड टाइप है तो एल आर है और ई ER आर है तो वो म्यूटेंट टाइप का फर्दर डी एन ए मार्कर जो डी एन ए है डी एन ए मार्कर ऑब्जेक्ट फिक बिटवीन ई आर एंड एल आर तो डी एन ए पॉलीमार्फिक है एक से मतलब दो डी एन ए है दो डी एन ए जैसे ये पॉलीमॉर्फिक का मतलब मान लीजिए कि एल आर है ये ई आर ER है तो पूरा सिक्वेंस सेम में पता चला कि यहाँ पे जी है और यहाँ पे सी है तो ये पॉलीमॉर्फिक कंडीशन हो जाता है अ क्रॉस वॉज मेड मेड बिटमिन प्योर लाइन ऑफ द एल आर एन ई आर एन एफ एन प्रोजेनिट्स एनलाइज

अब जब आप एफ वन प्रोजनी देखोगे तो बैंड दोनों नज़र आ रहे हैं ई ER आर वाला भी बैंड नज़र आ रहा है एल आर वाला भी नज़र आ रहा है लेकिन फिनो टाइप क्या मिल रहा है एल आर इसका मतलब एल आर क्या है डोमिनेंट है ई ER आर पे और ये एल आर डॉ टाइप है भी ठीक है लेकिन यही अगर आप प्रोजनी का टेस्ट क्रॉस किए हैं तो आप देखेंगे जो एल आर हमें मिल रहा था पहले पैनेट में वो नीचे बैंड होना चाहिए था फिर एफ वन में दोनों बैंड के साथ मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे दोनों बैंड के साथ 25 और एक बैंड के साथ एल आर सत्ताईस ट्वेंटी सेवन है इसी तरीके से देखेंगे तो दोनों बैंड के साथ जो है 23 एंड सिंगल बैंड के साथ 25 तो एल आर ई आर पे डॉमिनेंट है सही है एल आर इज डोमिनेंट टू ईआर लेकिन कहीं ना कहीं बैंड या जो डीएनए है उससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये बैंड से कौन सा फिनोटाइप आएगा जब आप टेस्ट क्रॉस देख रहे हो भाई डबल बैंड दो बैंड है तब भी एल आर एल ई ER आर मिल रहा या सिंगल बैंड है तब भी एल आर ई ER आर मिल रहा इसका मतलब ये डी एन ए जो है मार्कर ये लिंक्ड नहीं है फिनोटाइप से तो आर गलत हो जाएगा किस स्टेटमेंट कह रहे हैं डी एन ए मार्कर यूज एज अ डोमिनेंट मार्कर अगर डोमिनेंट मार्कर होता तो दोनों में से कोई एक ही बैंड नज़र आता लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पी ओनली अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आपका थ्री पॉइंट क्रॉस दिया गया है और हमें आठ तरीके के यहाँ पे चार ये हैं चार ये हैं और हमें क्या कर लेना है कि पहले डेटा को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है वो पैरेंटल टाइप होता है तो 185 को लिख लेते हैं बी प्लस एम वाई वन इसका अपोजिट क्या होगा बी एम प्लस वाई प्लस बी एम प्लस वाई प्लस वन तो ये आपके आ गए हो जाएंगे पेरेंटल टाइप सबसे कम कौन यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रहा है ट्वेंटी तो ट्वेंटी लिख लेते हैं बी एम वाई ट्वेंटी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा B प्लस एम प्लस वाई प्लस और ये कहाँ पे मिल रहा है थर्टी के सामने मिल रहा है बी प्लस एम प्लस वाई प्लस तो ये थर्टी हो जाएगा तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये फिफ्टी होगी ये डबल क्रॉस ओवर होगा ये ट्वेंटी फाइव का जीनो टाइप लिख लेते हैं B M Y प्लस ट्वेंटी फाइव है और B M Y प्लस का अपोजिट हो जाएगा B प्लस एम एंड B प्लस एम प्लस वाई हो जाएगा B प्लस एम प्लस वाई यहाँ पे फोर्टी फाइव है तो ये आपका सिंगल क्रॉस ओवर हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप देखोगे बच रहा है आपके पास वन टेन डेटा और वन ट्वेंटी का B प्लस एम वाई प्लस वन ट्वेंटी एंड बी एम प्लस वाई इसका अपोजिट हो जाता है वन टेन ये भी आपका सिंगल क्रॉस ओवर है हालाँकि यहाँ पे मैं समझाने के लिए यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा तो वहीं पे आपको डेटा एनालाइज कर लेना है कि एक और पेरेंटल टाइप है और कौन जो है डबल क्रॉस ओवर है यहाँ कन्फ्यूजन होगा बहुत से लोग समझेंगे कि ये ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सबसे कम है तो ये दो पेरेंटल टाइप हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है जब बी प्लस एम प्लस बी एम वाई यहाँ पर है तो इसका अपोजिट आपका ये थर्टी मिल रहा है तो ऊपर वाले ये दोनों जो हैं डबल क्रॉस ओवर हैं क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ट्वेंटी फाइव और 45 फाइव तो ये कहीं सेवेंटी हो जा रहा है ये सेवेंटी हो जा रहा है और डबल क्रॉस ओवर फिफ्टी ही है तो आप पैरेंटल टाइप देखोगे बी प्लस एम वाई और डबल क्रॉस ओवर आप देखोगे तो एम वाई है और बी चेंज हो गया है इसका मतलब बी जिन बीच में होगा तो पैरेंटल टाइप में हम लिखेंगे एम बी प्लस वाई दूसरा एम प्लस बी वाई प्लस तो ये हमारा जीन ऑर्डर हो जाएगा पैरेंटल टाइप में बी जीन बीच में कैसे आ गया है क्योंकि यहाँ पे देखें एम और वाई दो स्मॉल में है और डबल क्रॉस ओवर में भी एम वाई एक साथ में चेंजिंग कहाँ पे हुआ है यहाँ बी प्लस है यहाँ ओनली बी है तो डबल क्रॉस ओवर और पैरेंटल टाइप डेटा देख के हम ये पता लगा सकते हैं जीन ऑर्डर क्या है तो जीन ऑर्डर क्या निकल गया तो है एम बी वाई तो एम बी वाई यानी कि क्यों सही है अब यहाँ डिस्टेंस पूता है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई तो मान लीजिए कि अगर ये पैरेंटल टाइप ऊपर हैं और बी एंड वाई के बीच में अगर हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो एम बी प्लस वाई प्लस चला जाएगा अगर हम एम बी प्लस वाई प्लस हो जाएगा और दूसरा नीचे एम प्लस बी एंड वाई हो जाएगा ऐसा कहाँ मिल रहा है एम बी प्लस वाई प्लस कहाँ मिल रहा है एम बी प्लस वाई प्लस ये ट्वेंटी आपका मिल रहा है वन ट्वेंटी में यहाँ पे देखिए जीन का ऑर्डर नहीं क्लियर है तो आगे पीछे लिखा हुआ बी और एम लेकिन हमें जीन तो वही है ना एम है स्मॉल में है बी प्लस वाई प्लस है ऊपर भी आपको क्या मिला है एम बी प्लस वाई प्लस तो वन ट्वेंटी और वन टेन आपका क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड वाई है तो यहाँ पे हम जब रिकॉमडेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वन ट्वेंटी प्लस वन टेन प्लस डबल क्रॉस ओवर डेटा दोनों मिला के थर्टी प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टोटल देखना है इन टू हंड्रेड कर लेना है टोटल कभी कभी जरूरी नहीं कि ये थाउजेंड ही हो कभी से सात सौ बीस होता है साढ़े सात सौ होता है सेवन फिफ्टी होता है फाइव हंड्रेड हो सकता है टोटल तो आप ये टोटल जितना है टोटल आप निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे तो आपको फोर्टी सेंटी मॉर्गन मिलेगा तो क्यू एंड आर इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि टू इनब्रिड लाइंस ऑफ द बीन्स बीन इंटरक्रॉस्ड इन एफ तो जो मेजरमेंट है मिला है बीन लेंथ में बीन के लेंथ में वो वेरिएशन मिला है दो द एफ टू एफ टू प्रोजनी एंड द देंस ऑफ बीन लेंथ इन एफ टू वॉज सेवन ब्रॉड हेरिटेबिलिटी ऑफ द बीन लेंथ इन एफ टू पॉपुलेशन विल बी तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी जब हम भी हम निकालते हैं तो वेरिएंस ड्यू टू जेनेटिक अपॉन वेरिएंस ड्यू टू जेनेटिक प्लस वेरिएंस ड्यू टू इन्वॉर्मेंट ऐसा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अगर आप मान लीजिए कि मेंडल का क्रॉस करा लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैप इसमोल टी स्मॉल टी तो यहाँ पे कैपिटल टीम मिलेगा यहाँ पर स्मॉल टी मिलेगा और दोनों में आपको एफ वन में कैपिटल टी टिस्मॉल्टी जीनो टाइप तो जो एफ वन प्रोजनी होते हैं ये एफ वन प्रोजनी एक हो दो हो चार हो पचास हो कितने भी हो सबका जीनोटाइप कैपिटल टी टिस्मॉल्टी है तो क्या एफ वन प्रोजनी में जो जीन में वेरिएशन है ये तो है नहीं तो एफ़ वन प्रोजनी का जो ये वेरिएंस हमें मिल रहा है एफ वन में दो ये किसकी वजह से आया होगा तो ये हमें पता चल गया कि ये वेरिएंस ड्यू टू इन्वायॉर्मेंट की वजह से आया है वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट की वजह से आया है लेकिन अगर आप इसी एफ वन को सेल्फिंग करेंगे तो एफ टू में हमें क्या मिलता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार एंड स्मॉल टी स्मॉल टी अब यहाँ पे एफ टू जब आप प्रोजनी देख रहे हो तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन भी है और इन्वायरमेंटल तो वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट ये टोटल आपका कितना है सेवन है अब हमें पता है कि वी ई की वैल्यू टू है यहाँ पे यहाँ पे टू दिया है तो वी जी कितना निकल के आएगा सेवन माइनस टू वी आ जाएगा फाइव वी आ जाएगा फाइव तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी आपका कितना है फाइव बाई और वी जी प्लस वी कितना है सेवन है तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन वन आएगा क्योंकि एफ वन प्रोजरी में सभी का जीनोटाइप सेम है फिर भी वेरिएसन दो का मिल रहा है इसका मतलब कि वेरिएसन वो इन्वामेंटल होगा और एफ़ टू में जेनेटिक वेरिएशन भी है इन्वायरमेंटल तो दोनों मिला के वेरिएशन सेवन है तो दोनों को ऐड करके हमने देखा इस तरीके से यहाँ सोलूसन होगा इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डिलीशन से जीन का ऑर्डर पता लगाना है कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पे हमें एक डिलीशन यहाँ से यहाँ तक किया ये बीच में क्रोमोजोम का इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे ऐसा देखना रहेगा तो डिलीशन वन में हमने तीन सेगमेंट डिलीट किया तो हमारे पास जीन है ए बी सी डी ई तो ये पांचों जीन इन्हीं पांचों सेगमेंट में यानी कि एक ये है एक ये एक ये है दो इधर है पांचों सेगमेंट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है जब हमने तीन डिलीट किया डिलीशन वन में तो तीन कोई म्यूटेंट होना चाहिए हो। कौन म्यूटेंट हुआ तीन बी सी डी इसका मतलब बी सी डी इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं है अब जब हमने केवल दो डिलीट किया तो अब दो कौन नहीं आ रहे हैं सी डी तो क्या कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर बी होगा अच्छा हमने सी डी यहाँ पे अब एक डिलीट किया यहाँ पे तो सी आ गया इसका मतलब ये सी होगा तो यहाँ पे ये यह कंफर्म होंगे डी होगा हमने एक नया तीसरे डिलीशन में किया था तो एक नया कुछ म्यूटेंट मिला है e, तो यहाँ पे ई e हो जाएगा तो बी सी डी ई बी सी डी ई और लास्ट में एक ही जीन बच रहा है तो वो ए हो जाएगा क्योंकि डिलीशन फाइव में हमने ई e और ई e, e और ए को डिलीट किया है तो हमें ए और ई e दोनों म्यूटेंट मिल रहे हैं तो बी सी डी E, A, इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर लगा के इसको ऐसा क्रोमोज़ोम बना लेना है पहला ऊपर वाला क्रोमोज़ोम लिख लेंगे कैपिटल ए फिर कैपिटल बी फिर सेंट्रोमियर है फिर कैपिटल सी फिर कैपिटल डी फिर ये इधर आ जाता है स्मॉल ई e. फिर ये ऐ, ऐसे चला जाएगा सेंट्रोमियर है फिर स्मॉल बी स्मॉल ए, ए दूसरा क्रोमोजोम इधर से ले जाओगे ऐसे ऊपर तक ऐसे तो नीचे क्रोमोजोम यहाँ से दिखा देते हैं जी स्मॉल जी स्मॉल एफ स्मॉल सी स्मॉल डी फिर ऊपर चला जाएगा कैपिटल ए कैपिटल एफ़ और जी तो अगर आप ऊपर वाले क्रोमोजोम को देखेंगे तो एफ़ और जी अपसेंट है नीचे वाले क्रोमोजोम को देखेंगे तो ए और बी एबसेंट है और ऊपर ए जीन डुप्लीकेट हो गया नीचे जी जीन डुप्लीकेट हो गया है तो डिलीशन और डुप्लीकेशन मिल रहा है आपको एक डाई सेंट्रिक क्रोमोजोम मिल रहा है और एक ए सेंट्रिक फ्रेगमेंट मिल रहा है अब यहाँ पे जो इन्वर्जन है इन्वर्जन कैसा नज़र आ रहा है आप देखोगे ऊपर वाला क्रोमोजोम अगर सीधा करोगे तो ए बी फिर क्रॉसिंग सेंट्रोमियर है फिर सी डी ई एफ जी ऊपर है लेकिन नीचे वाले क्रोमोजोम को अगर आप सीधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा ए बी फिर सी डी की जगह पे ई डी सी मिलना तो इन्वर्जन जो हुआ है अगर इन्वर्जन जैसे मान लीजिए कि ए है बी है सी है डी है ई e है ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर सी डी ऐसा इन्वर्जन हो जाए डी सी की जगह पर आ जाए सी डी तो सेंट्रोमियर तो इन्वर्जन वाले सेगमेंट में तो है नहीं तो ये होता है पैरासेंट्रिक पैरासेंट्रिक का मतलब ये होता है कि क्रोमो सेंट्रोमियर के बगल में और पेरी का मतलब होता है कि सेंट्रोमियर भी इन्वर्टेड सेगमेंट में प्रेजेंट है तो दिस इज अ पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा स्टेटमेंट तो इसलिए ए और बी इनकरेक्ट हो जाएंगे फिर छठा है दिस इज अ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन सिक्स स्टेटमेंट आपका करेक्ट है दिस विल जनरेट अ डाई सेंट्रिक एंड ए सेंट्रिक क्रोमोजोम फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दूसरा भी सही लग रहा है डायसेंट्रिक ए सेंट्रिक, तो सी ऑप्शन आपका इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा बाकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो फिफ्टी परसेंट गायब नॉन वाइबल मिलेंगे और फिफ्टी परसेंट जो हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ वो सर्वाइव करेंगे क्योंकि तो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता है तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्रोमोजोम बिल्कुल वैसे अलग अलग सेल में पहुँचेंगे और जीन में भले ही इन्वर्जन है जीन तो सेल में रहेगा ही रहेगा रहे और सर्वाइव कर जाएगा तो सी ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा ये है जीन ऑर्डर दो एच एफ आर स्ट्रेन है एच एफ आर वन है जिसमें तीनों जीन म्यूटे पॉजिटिव में है और एस एफ आर टू में भी यहाँ पे पॉजिटिव में है मेटेड विद द एफ माइनस स्ट्रेन जहाँ पे तीन चार जीन माइनस में है द रिज़ल्ट ऑफ द इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि एक डोनर बैक्टीरिया है एच और एक रेसिपियंट है एफ माइनस है तो इनके बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो इसका मतलब मेटिंग हो रहा है और अगर मेटिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ जीन एच एफ आर से जब एफ माइनस में ट्रांसफ़र हो रहा है तो पता चला कि हमने पाँच मिनट में हमने स्टेप्टोमाइसिन सेंसिटिव जो ये स्ट्रेन है ये दोनों जो स्ट्रेन है एच एफ आर इनको किल कर दे रहे हैं तो जब एक किल हो जाएगा तो बेटिंग रुक जाएगा उसको इंटरप्ट कर रहे हैं तो हम टाइम पे इंटरप्ट करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे तो जब हम टाइम देखेंगे तो जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो जीन सबसे पीछे रहेगा वो सबसे लास्ट में ट्रांसफर होगा एफ माइनस में जो पहले रहेगा वो आगे ट्रांसफर होगा तो अगर हम पी एंड क्यू को दोनों जो ये ग्राफ हमें नज़र आ रहा है पहचान इन दोनों को क्या करेंगे एक पे रख देंगे फिर टाइम देखेंगे एक ही पे रख देंगे ये आपका ल्यूसिन है तो यहाँ देखेंगे ये लगभग आठ मिनट पे सबसे पहले आर्जिनिन एंट्री किया तो आर्जिनिन सबसे आगे होना चाहिए जो कि चारों ऑप्शन में है दूसरे नंबर पे अगर आप टाइम देखेंगे इसमें तो नहीं पी में लेकिन क्यू में देखेंगे तो लगभग नौ मिनट के आसपास जो है आपका हिस्टरीन आ गया तो यानी कि आर्जिनिन के बगल में क्या होना चाहिए हिस्टरीन फिर बीस मिनट में बीस मिनट इधर तो नहीं लिखा है लेकिन इधर लिखा है तो ल्यूसिन फिर तीस मिनट में के जीन फिर प्य। प्यूरोमाइसिन तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपका लीथल एलील से रिलेटेड क्वेश्चन है सेक्सलिंग लीथल एल एल स्म एल इन कहने का मतलब है कि अगर सेक्स लिंक्ड मतलब फीमेल ड्रोसोफिला है तो अगर दो एल है तो ये ड्रोसोफिला का डेथ हो जाएगा और हेमी का मतलब कि कोई एक ही L, एक ही क्रोमाजोम पे एले प्रेजेंट है तो अगर मेल में एक ही एल है तब भी मेल का डेथ हो जाएगा इफ अ फीमेल एल अ मेल तो कैपिटल एल और स्मॉल मेल से क्रॉस कराएंगे तो जाहिर सी बात है मेल में स्मॉल एल तो रहना नहीं चाहिए नहीं तो उसका डेथ हो जाएगा तो कैपिटल एल रहेगा ही रहेगा तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये दोनों आपका एक्स कैपिटल एल एक्स कैपिटल एल आया जाएगा इन दोनों का क्या हो जाएगा एक्स कैपिटल एल एल पहले लिखते हैं डोमिनट एल रेजिस बाद में लिखते हैं फिर वाई दोनों में लगा देंगे तो एक्स कैपिटल एल वाई एक्स स्मॉल एल वाई तो ये वाला मेल जो होगा ये तो डेथ हो गया इसका क्योंकि स्मॉल एल है ये मेल सर्वाइव करेगा और दो फीमेल हैं ये तो दो फीमेल एक मेल जो रेशियो मिलेगा प्रोजनी में यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इधर वायोलेंस जीन है ए डोमिनेंट है और स्मॉल कैपिटल ए डोमिनेंट है और इधर प्लांट में जीन है आर जीन रेजिस्टेंट डोमिनेंट स्मॉल इसमोल रेसिसिब है ससेप्टिबल है तो यहाँ कंपेटेबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं देखिए जब दो डोमिनेंट एलियर रहेंगे तो ये इनकम्पेटिबल ग्रुप बनाएंगे अगर दोनों में से दोनों रेसेसिव हों या कोई एक रेसेसिव है तभी कम्पेटिबिलिटी बन पाता है तो कैपिटल ए कैपिटल आर जीनोटाइप हैज है रिएक्शन बात सही है यहाँ पे एक स्मॉल आ है यहाँ पे दोनों स्मॉल आ रहे, है, स्माल आ रहे है, दोनों कंपेटिबलिटी शो करेंगे क्योंकि एक उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है एक ही डोमिनेंट है है ना दो डोमिनेंट नहीं है तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी कंपेटिबल ग्रुप बनाएंगे लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनकम्पेटिबल का ऐसा गलत हो जाएगा तो पी क्यू और आर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमें बैक्टीरिया में आपको जीन को अरेंज करके दिखाना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसा एरो लगा लेंगे सबसे पहले कौन मूव फर्स्ट और लास्ट में कौन जीन गया है तो एक ऐसा सर्कुलर क्रोमोजोम बना लेंगे और क्रोमोजोम बनाने के बाद मान लीजिए कि इधर से मैंने एरो लगाया तो सबसे आगे क्या हो जाएगा ए उसके पीछे बी फिर डी फिर एफ फिर एच यहाँ ऑन लिख देंगे दूसरा अगर आप देखोगे ऐसा एरो लगा लेंगे फिर बी है फिर उसके पीछे ए है बी है बी के बगल पीछे ए है तो दूसरा यहाँ लिख देंगे, बी के पीछे ए है फिर एल है फिर एम है फिर के है तीसरा अगर आप देखोगे तो एम फिर के एम के पीछे के है एम के पीछे के है तो एरो ऐसा लगा देंगे थर्ड फिर के है फिर जे है, है फिर जी है आलरेडी एच लिखा ही है फिर फोर्थ देखेंगे एफ़ सबसे आगे है फिर उसके पीछे एच है एफ़ कहाँ नजर आ रहा यहां पे, तो यहां पे लिए लिए है यहाँ तो यहाँ पे फोर लिख लेंगे फिर एच है फिर जी है फिर जे है फिर के है इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एल है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वन टू फोर एंड थ्री वन थ्री के बीच में एल होना चाहिए वन एंड थर्ड के बीच में एल होना चाहिए जो कि वन और थर्ड के बीच में एल यहाँ पे नज़र आ रहा है और वन और थर्ड के बीच में एल यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें भी थर्ड ऑप्शन में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है उसके बाद आप देखोगे तो टू एंड फोर के बीच में डी होगा ओरिएंटेशन एरो का दोनों का एक दूसरे का अपोजिट अपोजिट है तो यहाँ ओरिएंटेशन अपोजिट अपोजिट है यहाँ पे भी अपोजिट अपोजिट है डी भी है और यहाँ ओरिएंटेशन उल्टा लिखा गया है इस वाले में अब ओरिएंटेशन तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आप आ, कर रहे हैं जिसमें जितना ज़्यादा प्लस रहेगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस उसको लास्ट में रखेंगे सबसे कम प्लस वो ऐसे इसी सीक्वेंस में इसको लिख ही लेना है ये चार नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें कुछ करना नहीं है बस ए बी सी डी ई इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा ये कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉलीमॉर्फिक डीएनए जो है सीक्वेंस यूज्ड फॉर मॉलिकुलर आइडेंटिफिकेशन हमने डीएनए से आइडेंटिफाई करना है एस जो है शॉर्ट एन रिपीट्स एंड द एस एन पी हमने यूज किया है पॉलीमॉर्फिक मार्कर के तौर पे टेबल बिलो सम द स्टेटस स्टेटसोमलोमल एस टी आर माइक्रोकॉन्डियल एस एन पी एंड वायलिंग एस टी आर फॉर इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू ईच अदर ये चार इंडिविजुअल एक दूसरे से इसमें इनमें रिलेशन है रिप्रेजेंटिंग पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टू चिल्ड्रेन इन चारों में दो पेरेंट हैं यानी कि मेल फीमेल दो पेरेंट होंगे और दो उनके चिल्ड्रेन हैं जिसमें मेल फीमेल सन एंड बॉय हो सकते हैं बेस ऑन द बिलो डेटा आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग द टू पेरेंट अब देखिए चार इंडिविजुअल में इन दोनों में से पेरेंट कौन होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वाई लिंक में वाई क्रोमोजोम किसके पास है थर्टीन थर्टीन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ए और बी दो मेल है ये ए और बी दो मेल हैं और वाई क्रोमोज़ोम यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब कि बी एन सी फीमेल है तो जाहिर सी बात है ए और बी में कोई ना कोई एक फादर होगा एक सन होगा और सी डी में कोई एक मदर और एक डॉटर होंगे अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डी एन ए वो कहाँ से आता है फादर से आएगा या मदर से आएगा मदर से आएगा तो सी डी में से मान लीजिए कोई भी मदर है तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया में एस एन पी वन सी सी है और ए है तो मान लीजिए कि सी मदर हो या डी मदर हो तो वो सी ए सिक्वेंस किस को देगा अपने सन को सी ए किस में नजर आ रहा बी में तो इसका मतलब है कि बी यहाँ पे सन ए हो जाएंगे फादर ये कन्फर्म हो गया अब सी डी में से मदर कौन है तो आप देखेंगे आटोसोम तो मान लीजिए कि ए फादर है तो ए का हम एस एन पी लिख लेते हैं यहाँ पे सी सी ए फादर जो है इनकी एस एन पी है सी सी और सी सी एस एन पी है और अगर हम इनको मान लेते हैं डी को मान लेते हैं अगर मान लीजिए डी को मान लेते हैं कि ये मदर है तो इनकी भी सी सी है तो अगर दोनों का सी सी है तो फिर इनके डॉटर और सन में ये सी जी कहाँ से आया तो इसका मतलब होता है कि डी मदर नहीं है सी मदर तो सी अगर मदर है तो सी जी हाँ अब यहाँ पे ये सी सी आ सकता है और ये सी जी आ सकता है तो सी जी जो मिलेगा हमें वो जैसे सन के पास जो जी आया है वो कहाँ से आएगा जी फादर के पास तो जी है नहीं तो अगर डी को मदर मानेंगे तो उसके पास भी जी नहीं है तो सी ही जो है यहाँ पे मदर है तो ए और सी जो है ये दोनों आपस में पेरेंट है तो इस लेक्चर में बस इतना ही और इसी से रिलेटेड जो भी मॉलिकुलर है मार्कर uh, से रिलेटेड हैं और भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन हैं ये सारा इसी लेक्चर सीरीज़ में जो है कवर कर रहे हैं और वीडियो लाइक करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो